मिश्रा जी, कुछ समय पहले आपने शर्टबल का जिक्र करा था, उस समय मैं आपको टोकना नहीं चाहती थी क्योंकि बात दूसरी डिस्कशन हो रही थी। तो शर्टबल के लिए भी हमारे पास प्रश्न आया है कि शर्टबल को कंसिडर करना चाहिए, टोटैलिटी में करना चाहिए, इश्कश देखें, या शर्टबल में से अगर टोटैलिटी में ना करें, आपने बार्स का कहा कि ऐसे ही लोग देख लेते हैं और हाई लो देख के बोल देते हैं, और अगर वो नहीं है तो स्पेसिफिक बल कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस? पहली बात तो ये कि शटबल और ईस्ट कस्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईस्ट कस्ट और शटबल एक ही चीज नहीं है। जी नहीं है। ईस्ट कस्ट निकालने की जरूरत होती नहीं है, और यदि होती भी है, निकाली भी है आपने, तो वो यूजलेस है आपके लिए। क्लासिक्स में नहीं बताई गई है, वो क्लासिक्स में बाद में इरेरेंट की गई है, वो बाद में डाली गई है, इंसर्ट की गई है। वो पद्धति का विषय है, उसको पुराने जमाने में जातक पद्धति लिखी जाती थी, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जोड़ घटा करके हाउसेज के कसपुर वगैरह ये सब स्पष्ट ग्रहों का बल बल निकालना बताया जाता था। तो पाराशर जी ने शुरू में संक्षेप में बता दिया, बाद में मैथमेटिकल भी बताया। षटबल में वो शुरू में बड़े मजे की बात कहते हैं कि एक नेता प्रधानमंत्री है और एक नेता बड़ा नेता है, लेकिन किसी भी पद पर नहीं है। यदि दोनों एक साथ कहीं आ जाते हैं तो आप किसको महत्व देंगे? बड़ा सीधा सवाल है कि स्थान का बल है। उन्होंने कहा कि जो स्थान का बल है, जो पोजीशन का बल है, जो पोस्ट का बल है, जो कुर्सी का बल है, वो सबसे बढ़िया बल है, सबसे बड़ा बल है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी बल है वो बेकार की बातें हैं। असली बल बाकी बल है, स्थान का बल नहीं है। अच्छा, सबसाइड हो जाएगा, आदमी कॉर्नर कर दिया जाएगा। और जो स्थान बल है और दूसरे बल कमती भी हैं, कुछ कम प्रोपोर्शन में भी आए हैं, तो आदमी पूजा पाएगा, तो ग्रह बलवान हो जाएगा। सबसे बड़ा बल स्थान का बल है। तो स्थान के बल को डिस्क्राइब करते हुए पाराशर ने खुद कहा कि शुभ पंचक वर्ड का नाम बताया, उन्होंने ईजाद की ये शब्द, ये परिभाषा, ये टर्म। एक जगह का शुभ पंचक, एक जगह का भद्र पंचक, दोनों सिनोनिम है। शुभ पंचक का मतलब है कि जो ग्रह अपनी उच्च राशि में है, जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, जो ग्रह अपनी स्व राशि में है, जो ग्रह अति मित्र की राशि में है, और जो या मित्र की राशि में, और जो सम है, ये डिक्लाइनिंग ऑर्डर में उनकी स्ट्रेंथ है। उच्च ग्रह सबसे बली है, मूल त्रिकोण ग्रह उससे कम बली, स्थान बली की बात कर रहा हूँ, और स्व राशि में उससे कम बली है। स्व राशि में आते उन्होंने 50% बल बताया, उच्च राशि में 100% बताया, सम में 25% बताया। इसका मतलब कि सम तक आकर के उसको पंचक नाम इसलिए कि पांच टर्म दी, पांच पोजीशन दी। सबसे उच्च होना, परमोच्च या उच्च में होना, मूल त्रिकोण में होना, स्वराशि में होना, मित्र या अतिमित्र की राशि में होना, और सम की राशि में होना। तो ये पांच टर्म, पांच पोजीशन बता रही, पांच लोकेशंस बता रही। इन लोकेशन पर जो ग्रह है वो डिक्लाइनिंग ऑर्डर में स्ट्रांग है, और इनमें से कोई भी एक बल उसके पास नहीं है, और वो सम में है, और बाकी सारे ग्रह दूसरे उसको बल मिल गए हैं, जो और बल हैं उसको ये बल भी मिल गया, काल बल भी मिल गया उसको, दिग बल भी मिल गया उसको, दृढ़ बल भी मिल गया उसको, सारे बल मिल गए। तो वो बल बेमानी नहीं, तो कम से कम आधे से कम यूजफुल रहते आते हैं। तो स्थान बल ही सबसे बड़ा है। सीधी सी बात है कि एक मूर्ति को मेकअप करके यदि उसे बढ़िया डिजाइन तनिष्क जेवर पहना दिए जाएँ तो उसकी शोभा नहीं हो सकती। जान जरूरी है, प्राण जरूरी है, शरीर जरूरी नहीं। शरीर कमजोर भी है चलेगा, शरीर में कोई रोग है चलेगा, लेकिन प्राण है तो तब तक, जान है तो जहान है। तो स्थान बल ही सब ग्रहों के बल की जान है। यदि वो है तो बली है, नहीं है तो बली नहीं है। उसके बाद सूर्य चंद्रमा के लिए कहा, चंद्रमा के लिए स्पष्ट कहा, पक्ष बल है तो चंद्रमा का बल है, नहीं तो बाकी बल बेकार है। तो चंद्रमा का पक्ष बल ही सबसे बड़ा बल है। सूर्य के लिए कहा कि सूर्य का आयन बल है, आयन बल है तो बल है, बाकी और बल नहीं है। तो आयन बल का मतलब है कि जो उत्तरायण में हो और अपनी राशियों में, उच्च राशियों में, शुभ पंचक में भी गया हो तो परम बली हो गया सूर्य। यदि उत्तरायण में है और सामान्य राशियों में है, सम की राशि में, शत्रु की राशि में भी, तो भी बलवान है उत्तरायण होने की वजह से। तो सूर्य को, चंद्रमा को एडिशनल बल दिया, एडिशनल एक पैरामीटर बनाया कि आयन बल भी होना चाहिए सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए पक्ष बल भी होना चाहिए। और तीसरा एक पैरामीटर दिया उन्होंने बकरी ग्रह का। जो ग्रह मंगल आदि ग्रहों में बकरी हैं
वो एडिशनल स्ट्रांग है, और एडिशनल स्ट्रांग हो जाने की वजह से उनका बल बढ़ जाता है। इस तरीके से देख करके ही पता लग जाता है मैथमेटिक्स में क्या रखा है कि हमें कितने कला बल मिला, कितने परसेंट मिला, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ आता जाता नहीं है उससे, कोई बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट तो निकलता नहीं है। आप अपने सेटिस्फेक्शन के समझ लीजिए, जिसका सूर्य चंद्रमा यदि स्थान बली नहीं है, पक्ष बली नहीं है, अयन बली नहीं है, और सूर्य चंद्रमा को पूरा बल मिल जाए, अयन बल भी मिल जाए, स्थान बल भी मिल जाए, पक्ष बल भी मिल जाए, और वो शुभ पंचक में भी आ जाए, उसके बाद बाकी ग्रहों के बल की कम से कम जरूरत है। सूर्य चंद्रमा बलवान तो पूरी कुंडली को ताकत मिल जाएगी, आदमी जैसे तैसे समुद्र के पार चला जाएगा, आदमी किनारे लग जाएगा, आदमी सफलता पा जाएगा। तो प्रैक्टिकल बात तो यही है। तीसरी बात एक जगह कही, वक्री ग्रह को क्यों बल दिया उन्होंने, हित्वा वक्रम रिपु ग्रह बतई ही अते स्व त्रिभागा। आयु जब निकाली जाती है हर एक ग्रह की कि कितने कंट्रीब्यूशन दिया इस ग्रह ने इस व्यक्ति के लिए, जातक के लिए, 100 साल 120 साल में से कितने साल इसको देगा ये ग्रह, तो कहा कि जो ग्रह शत्रु राशि में गया हुआ, जो अपने दुश्मन की राशि में बैठा हुआ हो, उसका तिहाई एस्टिमेटेड या कॉन्ट्रीब्यूटेड जितना उसका अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ईयर्स, अमाउंट ऑफ स्पैन, उसमें से 1/3 घटा दो कि वो शत्रु की राशि में, इसलिए तो। लेकिन उन्होंने कहा हित्वा वक्रम, जो ग्रह वक्री है उसका तिहाई नहीं घटाना, वो एजिटेड रखना, इसका मतलब कि वक्री ग्रह स्ट्रांग है। एक जगह कहा स्वतुंग वक्रोपगतैस्त संगुणम, जो ग्रह अपनी उच्च में गया, तुंग में गया, अपने उच्च राशि में गया, और जो वक्री है, उन दोनों का कि आयु को, जो एस्टिमेटेड आयु है या कैलकुलेटेड आयु है, उसको ट्रिपल कर दीजिए। स्वतुंग वक्रोपगतैस्त संगुणम, 3 गुना कर दीजिए। यदि उसको 10 साल दिए हैं किसी उच्च नॉर्मल कंडीशन में और वह ग्रह वक्री है, तो 10 को 10 मत कंसीडर करिए, 10 को 30 कंसीडर करिए। अगर उच्च हो और वक्री, उच्च हो और वक्री, नहीं ये दो अलग अलग बात है, उच्च होने पर भी 3 गुना, वक्री होने पर भी 3 गुना, इसका मतलब वक्री ग्रह को बल मिलता है, वो बल प्रोटेक्टिव है, वो लाइफ स्पैन को एक्सपेंड करता है, वो भाव को बड़ी करता है, इसलिए शत्रु राशि में जाकर के भी उस भाव की हानि नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो बड़ी है। तो सदबल का महत्व तो कहाँ रह गया, सिवाय कैलकुलेशन के। आप गिनती में अपना बैलेंस देखते रहिए, आप बैंक में तो ज्योतिषी बैंकर तो है नहीं कि आपकी पासबुक में देखा कितने रुपए कितने आने, कितने पैसे आपके बचे हुए हैं, तो कितना ब्याज लगा, उसको सीधी बात देखनी कि भाई टोटल कितना चाहिए, उसको खरीद नहीं करनी, उसको चेंज में विश्वास नहीं करना। हाँ, जो चेंज के एक पैसे का हिसाब करना चाहते हो, वो सड़क में चले जाए, देख ले बात को, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उस पर स्टिक कर जाए। प्रैक्टिकल तो ये बताया हमने आपको। दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका, कुछ और इसमें एक और इनर रहे? हाँ जी, एक इस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है। स्थान बल में कभी कभी हम देखते हैं कि ग्रह जो है नीच राशि में नीच होगा और नवांश में उच्च का हो जाएगा, या अच्छे स्थान प्राप्त कर लेगा या वर्गोत्तम हो जाएगा, तो क्या उसको भी हम कंसिडर करेंगे, क्या उसको बैलेंस आउट करेगा, या केवल वर्गोत्तम होने पर आयु की दुगनी वृद्धि होती है। इसका मतलब कि वर्गोत्तम होने से, वर्गोत्तम एक इंडिकेशन है, वर्गोत्तम एक संकेत इशारा है कि नवांश में ग्रह बड़ी हो तो उसकी कमजोरी कंपनसेट होती है। इसका मतलब है कि यदि मूल चार्ट में, मूल कुंडली में, लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह कमजोर है, कमजोर राशि में है, और वो नवांश में अच्छी राशि में हो जाए, तो उसके पास आत्मबल है, इंटरनल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रेसिस्टेंस उसके अंदर ज्यादा है, इसलिए वो बलवान है। यदि वहाँ आउटर अपीयरेंस उसका या फिजिकल अपीयरेंस उसका पता लगता है ग्रह का राशि चक्र में, राशि चार्ट में, लग्न चार्ट में, तो नवांश उसकी आत्मा है, इसलिए नवांश में बलवान होने पर उसके आत्मा की बलवान होती, आत्मा बली होती है। बाहर से देखने में शरीर बलवान दिखाई पड़ता है, बहुत सारे बलवान आदमी मोटे ताजे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अंदर से दम खींचे का भी नहीं होता। बहुत सारे लोग दुबले पतले होते हैं लेकिन इतने स्टेमिना वाले होते हैं, जो खेल कूद वाले, ब्रूस ली का उदाहरण सबसे बड़ा है, डेड पसली का दिखाई पड़ता था, बड़ा बड़ों को धराशाई करते थे। जो कुंग फू सीखने वाले लोग होते हैं, दुबले पतले होते हैं, चुस्त फुर्तीले होते हैं, यदि ऐसा होता तो जंगल का राजा कौन है, जंगल का राजा लॉयन होता,
लायन नहीं है, टाइगर है, क्योंकि वो स्लिम ट्रिम और चुस्त है, फुर्तीला है, इसलिए वो जंगल का राजा है। तो इसलिए इनर स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है नवांश और आउटर स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है वो राशि चार्ट। नवांश में जाने पर कमजोरी कंपनसेट हो जाती है। लग्न चार्ट में भी बली है, कोई ग्रह नवांश में भी अच्छी राशि में चला गया तो उसका बल और खिल जाता है और बढ़ जाता है। आप पूछ रहे थे, मेरे क्वेश्चन यही था कि क्या हमें षटबल देखना चाहिए ओवरऑल, या उसमें से स्पेसिफिक बल जो हैं उनको देखना चाहिए? आपने स्थान बल का जिक्र करा, स्थान बल में कई सारे बल हैं। स्थान बल में कई सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो स्थान बल अकेला तो बल है नहीं, तो उसमें अब आप मोटे तौर पर जो प्रैक्टिकल जो तरीका बताया पाराशीट देखने का, वो मैंने पहले बोला आपको, उस हिसाब से अपेरेंटली आप प्राइम ऑफिस देख लीजिए कहाँ बैठा हुआ है। और मजे की बात सुनिए, अष्टक वर्ग में सारे अष्टक वर्ग चैप्टर लिखने के बाद, सारी रेखाएं बताने के बाद, अंत में पाराशरी महाराज बखान करते हैं कि सब किए धरे पर पानी फेर दिया। कहा कि अष्टक वर्ग में बलवान हो जाने के बावजूद भी, बहुत अधिक ग्रह रेखाएं प्राप्त हो जाने के बावजूद भी, यदि कोई ग्रह नीच राशि में है तो उसका अष्टक वर्ग निष्फल। मतलब क्या हुआ, राशि स्थिति स्थान बल प्राइमरी बल है, नींव का बल है, उसको भूल करके आगे आप ऊपर महल बनाते रहिए, इंटीरियर डेकोरेशन कराते रहिए मकान की, लेकिन नींव कमजोर है तो मंजिल चौमहला और मल्टी स्टोरी कैसे बनेगा? ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको बिंदु तो बहुत इसको मिल रहे हैं और इसको स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्रह इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो बाद में उन्होंने कह दिया कि इनके सब वो अकिंचित कर हो जाते हैं। अकिंचित कर एक वर्ड होता है संस्कृत का, कुछ नहीं करते, नकारा, न्यूट्रल हो जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसे अष्टक वर्ग के बारे में मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ। अष्टक वर्ग में जो बताया गया वो ट्रांजिट के लिए बताया गया, जब उन्होंने कहा था कि और किसी तरीके से ग्रह का बल सिद्ध ना होता हो, ग्रह अनुकूल न सिद्ध होता और अष्टक वर्ग से सिद्ध होता हो तो उसके गोचर में काम करना चाहिए। माना हमें सूर्य के गोचर में शादी करनी होती है और सूर्य के गोचर आठवां सूर्य चल रहा है, आठवां वर्गीय है शादी के दौरान, जिस समय लड़का लड़के की शादी हो तो उस समय उसकी जन्म राशि से आठवां सूर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन आठवें सूर्य में ही मजबूरी है। तो कई बार आजकल ऐसी मजबूरियाँ पैदा हो जाती हैं, अमेरिका में रहने वालों को NRIs को दिसंबर में ही छुट्टियाँ मिलती हैं, तभी आकर शादी करना चाहते हैं, दिसंबर में इंडिया में प्रोहिबिटेड होती हैं शादियाँ मलमास होने की वजह से, तो बेचारे क्या करें, उनको 25 दिसंबर के आसपास छुट्टी मिलेगी। तो ऐसी जगह पर अष्टक वर्ग काम आता है, मतलब अष्टक वर्ग से यदि वो निर्बलता उसकी दूर हो रही है, अष्टक वर्ग में बली है उसका सूर्य उस राशि में, बेशक वो आठवीं राशि है, यदि उसने वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेखा वहाँ ऑप्टेन की हुई है तो इसका मतलब कि उस राशि में भी उसका अशुभ नहीं होगा। आप कर सकते हैं, अष्टक वर्ग का प्रयोग वहाँ है, अष्टक वर्ग को उठा करके जन्मपत्री पर लगा दिया, केवल सर्वाष्टक वर्ग का उपयोग है जन्मपत्री में, कि एक एक भिन्नाष्टक की देखने की जरूरत नहीं होती, सर्वाष्टक में बता दिया कि सर्वाष्टक में कहाँ ज्यादा रेखाएं हैं तो वो भाव फलीभूत होगा सर्वाष्टक का, और सबका मिला करके जोड़ होता है सर्वाष्टक का। ये भी एक सवाल है, बड़ी जगह पर समाज परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, सबसे बड़ा रिडिकुलस बात तो ये है कि समुदायष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग को डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब बताइए कोई क्या खाते उनसे पूछे कि भाई सर्वाष्टक वर्ग समुदाय अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग एक ही बात है, महाअष्टक वर्ग पाराशर ने खुद कहा है, आप उनको दो समझ रहे हैं, भैया आप पता नहीं कहाँ से पढ़ करके आए, हमें तो मालूम नहीं। इसके बारे में टॉपिक तो फिर आगे था, पर आप जब शुरू हो गया तो अष्टक वर्ग की आपने एप्लीकेशन की बात करी, और सर्वाष्टक वर्ग में इसकी एप्लीकेशन को किस तरह से रिकंसाइल करना चाहिए प्लैनेटरी पोजीशन के साथ? पाराशर जी ने ये कहा है कि सर्वाष्टक वर्ग लग्न कुंडली के साथ रख लीजिए जी, और लग्न कुंडली के साथ लिख करके आपके पार्सल लाइट में उस पे स्क्रीन पर ही आ जाता है, साइड के चेंजेबल पोजीशन होती है उनके साइड के चार्ज की, मेन चार्ज के साथ आप अष्टक वर्ग देख लीजिए, सर्वाष्टक वर्ग ले आइए, जिस हाउस में 25 से ज़्यादा रेखाएं वो हाउस फर्स्ट ऐसा है, जिस हाउस में 25 से कम है और 19 से ज़्यादा है वो हाउस मीडियो पर है, जिस हाउस में 19 से ज़्यादा कम है वो हाउस वेस्ट है, उसको सब ग्रहों का सपोर्ट नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टेंट सपोर्ट भी नहीं है, वो सारे बिल्कुल क्लोज बाय डिस्टेंट
और इंटरनल सारे सपोर्ट मिलाकर के सर्वास्तक वर्ग बनता है। सारे ग्रहों का दूर पास का कोई रिश्ता जो बनता है तो उसी से रेखाएं बनती हैं। रेखा मतलब बेनिफिट डॉट्स जी, वो दक्षिण भारत में उसको बिंदु कहते हैं शुभ रेखा को, और उत्तर भारतीय ग्रंथों में उसको रेखा कहा है। तो रेखा और बिंदु हमें फिल्मी लाइन से क्या लेना कोई भी हो, लेकिन वो उधर रेखा, यहाँ रेखा नायिका है उत्तर भारत में, उधर बिंदु नायिका है उत्तर दक्षिण भारत, ये फर्क है। तो उसको देखिए जो हाउस इस तरीके का है तो अच्छा है। और कहा लग्न में ज्यादा रेखाएं, अष्टम में कम रेखाएं हैं, तो एग्जिस्टेंस ठीक है, वो इंटैक्ट रहेगी लाइफ लंबे समय तक। लग्न में कम है और छठे में ज्यादा है, रोग आएगा ही आएगा कभी ना कभी, वो घातक भी हो सकता है क्रॉनिक भी हो सकता है, ये हम डिसाइड करेंगे। ये हमें एक बेसिक सूत्र प्रदान कर देता है, इंडिकेशन देता है। लग्न में कम है रेखाएं, अष्टम में ज्यादा है, इसका मतलब सडननेस आपकी लाइफ में है, कभी भी सडनली कुछ भी हो सकता है। नवम में कम है, दशम में ज्यादा है, मेहनत करोगे जितनी उतना फल नहीं मिलेगा। नवम में ज्यादा है, दशम में कम है, और एकादश में उससे भी ज्यादा है, तो भाग्य साथ देगा, काम कम करोगे नाम ज्यादा पाओगे, डाकू को पकड़ेगा कोई और, क्रेडिट इंस्पेक्टर को मिल जाएगा थाने में बैठे हुए को। तो इस तरीके की बातें बताई, इस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं कुंडली में। 11th में 9th से भी जिस हाउस में पूरी 12 के 12 हाउस में जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेखाएं उसने ऑब्टेन की हो कुंडली में, वो ईयर जी लाइफ का डिटरमाइनिंग ईयर होगा, डिसाइडिंग ईयर होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ रेखा ऑब्टेन इन एनी हाउस आउट ऑफ द 12, चाहे वो 36 है 48 है जो भी है, वो ईयर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, डिसाइडिंग ईयर होगा लाइफ का। और उस समय वर्षफल में प्रोग्रेसिव चार्ट जो है यदि बढ़िया फेवरेबल आ जाता है तो हो सकता है फेवरेबल चेंज आ जाए, हो सकता है खराब हो तो आप, हो सकता है दुर्घटना भी आ जाए, बड़ी बड़ा रोग आ जाए, बड़ा शोक आ जाए। जिंदगी में दिशा बदलने वाला जो ईयर है वो होगा जो लग्न में जितनी रेखाएं, लग्न में 30 रेखाएं, 30 साल से पहले सेटल नहीं होगी भाई। अच्छा, सेटलमेंट रिलेटेड करियर प्रोफेशन, सेटलमेंट या डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाए, पर्पस मिल जाए, मेंटली सेटल हो जाए, पर्पसफुल आपका काम हो जाए, ठीक, दिमाग सेटल हो जाए, स्थिर हो जाए, डिसाइड कर ले आदमी, फर्म हो जाए कि मुझे यही काम करना है, उससे पहले वेवरिंग रहता है कभी ये करूँ कि कभी ये करूँ, शादी करूँ कि नहीं करूँ, बिजनेस करूँ कि नौकरी करूँ, यहाँ करूँ कि वहाँ करूँ, इस तरीके की वो शंकाएं और स्वभाव उसके दिमाग में बने रहते हैं। तो लग्न में जो रेखाएं हैं उतनी साल के हो जाने के बाद है तो उसी साल में, क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो पास्ट ईयर होगा, पास्ट नंबर होगा या करेंट नंबर होगा, ठीक, उसको अपनी समझ से मान लो, अब उनकी मान रख लेते हैं भैया, तो 30 रेखाएं हैं तो भैया 30वें साल में पूरा होने के, 30वें में या 30 प्लस में, प्लस में 31वें में, अच्छा वो सिस्टम जो लेते हैं ज्योतिष में 29 पूरा हो गया तो 30वां लग गया, 30वां लग गया तो 30वें के दौरान कभी भी, तो हम 30-31 कह देंगे उसको, भाई 30-31 साल के आसपास जाके सेटल हो जाओ, कहते मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो भाई 30-31 के बाद तुम कंफर्टेबल हो जाओ, मैं तो ऑलरेडी कंफर्टेबल हूँ भाई, और ज्यादा हायर पोजिशन ऑब्टेन कर लो, तो इस तरीके से बता दिया जाता है। तो समुदाय को स्तर पर का उपयोग है, आप वहाँ देखते हैं कि भिन्नास्तक और मिशनी की एक रेखा है, कमाल है, इसका मतलब तो हर 30 साल में एक फेज ऐसा आएगा कि वो तो मर जाएगा आदमी, भिन्नास्तक वर्ग का यूज ही नहीं है वहाँ। तो इसको हम इस प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर सकते हैं जो लगन में आपने बताया सर्वाष्टक वर्ग की रेखाएं या बिंदु है या जहाँ हाईएस्ट है वो टर्निंग पॉइंट होगा और लगन का सेटलमेंट से, तो हर हाउस के जो सिग्निफिकेशन है उसकी रेखाओं से प्रभावित होंगे, उनकी रेखा नंबर ऑफ रेखा से वो हाउस तो प्रोस्पेरस होगा ही होगा, लेकिन वो जो नंबर आते हैं वो नंबर भी इंडिकेटिव है, जो हाईएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर नहीं है, हाईएस्ट नंबर 12 हाउस में जहां कहीं गया है जी, इररिस्पेक्टिव टू द हाउस पर्टिकुलर, राइट, वो 5वें में है कि 8वें में है कि 12वें में है कि 30वें में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आया है वो ये डिसाइडिंग होगा जी। तो उसको हम कोरिलेट करेंगे दशा के साथ और कॉम्बिनेशन के साथ कि भाई इधर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जो लग्न में नंबर आया हुआ है उस साल में उसकी तरक्की आएगी या डिमोशन होगी या चेंज करेगा, वर्क फील्ड स्विच करेगा, ये सब बताया जाएगा, उस समय तुम्हारा माइंड सेट हो जाएगा, तुम पक्का इरादा करके उस लाइन पर चलते जाओगे, जो लाइन तुमने उस समय अडॉप्ट कर ली उसको लाइफ टाइम निभाओगे, हम सीधी बात कहेंगे।
लेकिन सीधी बात कही उन्होंने एक बड़ी मजेदार, आजकल वुमेन स्लिप के जमाने में कहना तो अपराध है, यदि लग्न में ज्यादा है और उसी के बराबर जो है सेवन था उसमें है, तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। अगर बराबर है लग्न और बराबर है या लग्न में से सप्तम में ज्यादा है, अच्छा, सप्तम ओपोनेंट का होता है, राइट, सप्तम ओपोनेंट हाउस है, सप्तम विरोधी का हाउस है, सप्तम ओपोजिट सेक्स का हाउस है, सप्तम राइवल का हाउस है, यदि सप्तम में कम होनी चाहिए, सप्तम में कम होने का मतलब राइवलरी कम है, मानसिक मतभेद मतभेद कम है, मनभेद कम है, इसलिए मैरिड लाइफ हो या पार्टनरशिप, एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, वो आपकी अच्छी रहेगी। और ये इक्वल है दोनों की, वहां भी 22 रेखाएं पड़ी, यहाँ भी 22 रेखाएं, ऑपोजिशन बराबर हो गया, आधी बात आप मानोगे आधी बात मानोगे, शेर और शेरनी की तरह अपनी टेरिटरीज तय कर लोगे, जैसे शेर जो है वो जंगल में पेड़ के पास जाता है और अपनी स्मेल अपनी बॉडी को रगड़ करके आता है, वो स्मेल छोड़ के आता है, दूसरा शेर आता है भैया नहीं है, तो उसकी टेरिटरी शुरू होगी, जैसे जेब कतरों की टेरिटरी होती है, भैया हमारा इलाका है, तो ठीक उसी तरीके से इलाके तय कर दे ही सकेंगे, नहीं तो झगड़ा करते रहेंगे, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे बिजनेस सफल नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे मैं बड़ा हूँ, वो कहेगा मैं बड़ा, किसी को तो 19-20 फर्क होना ही पड़ता है, सबमिशन नहीं रहेगा, भाई एक ने कही दूजे ने मानी, कहे गुरु नानक दोनों ज्ञानी, ये स्त्री घर में बनेगी नहीं, आपने कहा मैं ही सही हूँ, वो दूसरा आदमी कहेगा मैं ही सही हूँ, तो झगड़ा हो गया, चार बात किसी की मान ली, अच्छा चलो ठीक है जैसे आप ठीक समझे वो कर लो, ये पोजिशन नहीं आती, इसलिए उन्होंने कहा कि इक्वल होने पर या नंबर ज्यादा होने पर आपस में विरोध होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी पार्टनरशिप में सक्सेसफुल नहीं होता, इंक्लूडिंग लाइफ मेंटल पार्टनरशिप। तो ये रिलेशनशिप का संबंध हुआ, तो क्या जो बिंदु मिले हैं सातवें घर को, क्या वो भी निर्णायक होते हैं लगभग पार्टनरशिप किसी भी फॉर्म में होने के, सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप होने के? नहीं ये जरूरी नहीं है, वो बिजनेस पार्टनरशिप फिर फोर्स से देखते हैं, किसी भी तरह मैंने बोला चाहे मैरिटल हो, वो मैरिटल नहीं, वो विरोधी मतलब दुश्मन होंगे, दुश्मन कम होंगे आपके, तो रिलेशनशिप सेवंथ में भी कम है, दुश्मन कम होंगे, आपकी लेग पुलिंग करने वाले, आपकी बैक बाइटिंग करने वाले कम होंगे, मैरिज के इयर्स हम उन बिंदुओं से नहीं देख सकते, उससे नहीं बताया नहीं, ठीक है, उस साल में शादी होगी फिर तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत लोगों के बुढ़ापे में जाके शादी होगी। सर एक